जहां पर आप पर इल्जाम लगे, जहां पर आप पर उंगलियां उठे, जो लोग आपको कह रहे हैं कि भाई यार क्या बंदा है ये, इस मतलब कुछ चीजें ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ आपका नाम जुड़ जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि भाई वो लोग आप पर फेवर कर रहे हैं, वो लोग आपको असलियत में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम बहुत सारे लोगों पर लगा एल्विश यादव के केस में, लेकिन दो लोग ऐसे थे, एक दो लोग ऐसे थे, एक कंपनी ऐसी थी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, बट उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो एल्विश के दोस्त हैं और एल्विश के लिए हमेशा खड़े रहने की ताकत रखते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों, एल्विश यादव के पापा जब मीडिया में आए थे तो उन्होंने एक बात करी थी कि एल्विश जो है वो गाड़ियाँ हायरिंग पर लेकर आता है, कभी अपने दोस्तों से मांग लेता है, रेंट की हुई गाड़ियाँ होती हैं वो सारी। बट असलियत राजवीर सिसोदिया ने भी बताई न्यूज़ पे आकर कि गाड़ियाँ रेंट वाली नहीं होती हैं, बस अब अपने माँ को बोलते थे कि रेंट पे लेके आओ, 3-4 महीने में इसका जब हो जाएगा तो वापस कर दूंगा इनको, तो वो लोग खुश भी हो जाते हैं। तो हो सकता है एल्विश ने भी यही चीज़ बोली हो, लेकिन ये जब एल्विश के पापा ने बोला कि गाड़ियाँ रेंट पर थी, हायरिंग पर थी, तो सीधा सीधा उंगली उठी थी गौरव भाई पे, जो कि फ्यूजन कार के ओनर हैं या फिर जो फ्यूजन कार इस समय चला रहे हैं। तो उन्होंने कल जब एल्विश यादव की बेल हुई तो भंडारा करवाया। तो भाई ये होता है प्यार, आप देख सकते हैं ये एल्विश यादव शेर इज़ बैक और उसी पे भंडारा करवा रहे हैं, भंडारा चल रहा है। तो दोस्तों ये होता है प्यार, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा लोग उनको प्यार करते हैं कि क्या ही बोला जाए। उसके बाद कोई लिखता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, एल्विश यादव फाउंडेशन प्रोवाइड्स फूड टू पीपल ऑन सैटरडे एंड ही गॉट बेल ऑन सैटरडे, दिस इज कॉल्ड कर्मा आई गेस। उसके बाद कोई लिखता है कि भाई एल्विश यादव ने असली भाईचारा अर्न किया है, कमाया है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।